हाँ तेज चलाओ भाई। पुलिस? मेरे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए होंगे पापा, आप पुलिस वालों से इतना डरते क्यों? सर जी वो तिवारी जी का घर यही है। बताइए। नहीं नहीं वो इंटरनेट पे ऐड दिया था ना आपने, पुराना फ्रिज और एसी। अरे हाँ हाँ मुझसे ही बात हुई थी आपकी। दिवाली पे नया ले रहे हैं इसलिए पुराना निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं सर जी, हम तो खरीदने आए हैं, बगल के थाने में ही तबादला हुआ मेरा। पर देखिए रेट तो। हाँ रेट चलेगा और फोटो भी देख ली। पुलिस वाला है बता दे। पापा अभी क्या? ये एडवांस रख लीजिए, मैं छोटी दिवाली के दिन आकर बाकी पैसे दे जाऊंगा और फिर ले जाऊंगा। थैंक यू। और प्लीज किसी को दीजिएगा मत प्लीज। सर जी नमस्कार, ये आपके बाकी के पैसे। शोरूम से गया भी तो ले सकते। हमारे बच्चे को भी गर्मी लगती है, लेकिन क्या करें, हमारे वेतन में तो यही आ सकता है। ले जाऊं? अकेले? सर जी ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? अरे रुको मैं भी आता हूं। अच्छा सुनो, पुलिस वाले हो फिर भी? अरे सर जी चोरी कुछ लोग करते हैं पर बदनाम पूरी बिरादरी हो जाती है। आप देखिए ना, हम तो हैं आपकी सुरक्षा के लिए, फिर भी आप लोग हमसे डरते हैं। अरे छोड़ो चलो। अरे आ जाओ चलो भाई। टा टा अरे आपका कुर्ता तो मैला हो गया जी। अरे ये मैल तो धुल जाएगा, पर इनके मन का मैल तो धुल गया ना, वो ज्यादा जरूरी था, है ना पापा? क्या ये? अगली बार किसी पुलिस वाले से मिलिएगा तो मुस्कुरा कर मिलिएगा। कल दिवाली पे आना और वो बीठा करके जाना। सर जी ड्यूटी पे हूँ, नहीं तो जरूर आता। ईमान का सिक्का अभी भी चलता है यहाँ, बेवजह गलत फहमी मत पालो, इस दिवाली सारे मैल धो डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश।